रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा और ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जो चौकीदार हमारा था वो अंबानी और अडानी का चौकीदार बन गया है। अडानी पे हमला हुआ पत्रकार महोदय, अडानी पे हमला। मोदी जी एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बुलवाते हैं लोगों से। और इस ये घोटाला अडानी घोटाला नहीं, मोदी घोटाला है। मोदी जी आप ये बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूछता है भारत। एक आपने बहुत दिन पहले एक गाना आया था, भौरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गए हिंडनबर्ग। बीबीसी पे जनता को विश्वास है भाइयों बहनों, मित्रों। और आज मोदी जी को क्या हो गया, मित्रों बिलबिलाने लगेंगे, बिलबिलाने, समझ रहे हो ना, बिलबिलाने लगेंगे ये लोग। अरे भ्रम आप बंद कर दीजिए, नफरत की पत्रकारिता बंद कीजिए, सच्चाई दिखाइए, अच्छाई दिखाइए, वास्तविकता दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई, लिफाफा, बंद लिफाफा पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि इसकी जांच की जाए, तो कैसे देख रहे हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया, ये कहीं नहीं बोला आपने, लात मार दिया उसमें, कहा रहा होगा भैया पता तो नहीं चला, लेकिन मुझे लगता बंद है, था ना लिफाफा बंद था, मुझे तो लगता है कि उसमें भैया कुछ ना कुछ तो वो रहा होगा, जो वादा था भाइयों बहनों मित्रों, काला धन आ गया तो उन्होंने कोर्ट को भी खरीदने की कोशिश करी। और कोर्ट आज भैया में सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत कर, तो धन्यवाद भैया उनका, उन्होंने जनता का पैसा बचा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कोर्ट ने। चलो भैया लिफाफा लेकर निकलो मोदी जी, चलो। अरे मोदी जी बीबीसी पे आप छापा मरवा सकते हो, कांग्रेस पे छापा मरवा सकते हो, आम आदमी पे छापा मरवा सकते हो, टीएमसी पे छापा मरवा सकते हो। अडानी जी आपके रिश्तेदार लग रहे हैं, रिश्तेदार हैं भैया, गुजरात से हैं, रिश्तेदार तो हैं ही, आपको भी पता है। तो कैसे अगर अडानी पे जो लगातार हमला किया जा रहा है, हमला हमला, ए रुकिए 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 पहले रुकिए, अडानी पे हमला हुआ है पत्रकार महोदय, अडानी पे हमला, देश पे हमला हुआ है, देश पे हमला, किस देश ने किया है भाई बताना पत्रकार महोदय, किस देश ने हमला कर दिया देश पे, देश भाई किस देश ने हमला किया ये बताइए, हिंडनबर्ग देश है, विदेशी साजिश देश है ये हिंडनबर्ग, रिपोर्ट है, रिपोर्ट है। अच्छा एक चीज बताइए कि चोर के खिलाफ एक नोटिस आ जाती है तो उसे हमला कह दोगे, चोर को अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो उस पर हमला बोल दोगे, गजब के लॉजिक लाते हो आप लोग, गजब के। विदेशी साजिश है, आईटीसेल में आप लोग पढ़ाई करते हो क्या, ये विदेशी साजिश है, ये आईटीसेल वाले ही पढ़ाए होंगे, विदेशी साजिश है, फलाना साजिश है, धमाका साजिश है। अगर अगर उन्होंने कुछ घोटाला किया होगा, हमारे देश की सीबीआई है, ईडी है, ये सब, हाँ हाँ, सेबी का जो मेन इंचार्ज है वो अडानी जी का कौन है, समधी है। अब भैया एक चीज बताइए, अगर बाप आपका दरोगा है और आप चोर हो तो आपका बाप आपको चाहेगा कि जेल में चले जाओ, नहीं चाहेगा, ठीक उसी प्रकार से भी नहीं चाहती कि अडानी जी पे कोई खुलासा हो। और मोदी जी इसे छिपाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, जिस दिन ये रिपोर्ट आई मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन रख देते हैं, दो दिन बाद लाला रामदेव से अनर्गल बयानबाजी करवाते हैं, तीसरे दिन वो नंगा कर देने वाला बाबा है उससे भी बयानबाजी दिलवा देते, मतलब मोदी जी एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बुलवाते हैं लोगों से। और इस ये घोटाला अडानी घोटाला नहीं, मोदी घोटाला है। क्यों मोदी कैसे होगा, मोदी घोटाला, मोदी घोटाला भाई, बिजनेस 2.5 लाख, सुनो सुनो, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मोदी जी देते हैं, बिजनेस चालू करो अडानी जी, बिजनेस चालू करो। और अभी हम मांग लेना 2,500 रुपए का कर्जा, शिक्षा के लिए चाहिए, बहन की शादी करनी है, बाबू जी को चारों धाम भेजना है, जूता चप्पल घिस जाएगा, लेकिन बैंक वाले 2.5 रुपए का कर्जा नहीं देंगे। अडानी जी को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, आखिर क्यों? और कार रखा जाता है सीयर, 1% भी नहीं, मतलब इसमें है ना मोदी जी का कुछ चमत्कार, बिजनेस में घाटा हो जाता है 85,000 करोड़ का, 85,000 नहीं कह रहे हैं, 85,000 करोड़ कर्जा माफ, हमारा 85 रुपया कर्जा माफ नहीं करेंगे। मोदी जी आप ये बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूछता है भारत, रिश्ता नहीं कहलाता। अच्छा रिश्ता नहीं कहलाता, अच्छा एक चीज बताइए, 602 नंबरी को, 609 नंबरी थे 2014 से पहले, और मोदी जी ने उन्हें आते ही इतनी मेहनत करी, इतना गुब्बारा फुलाया कि वो 2 नंबरी बन गए, 2 नंबरी। आपने राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी राष्ट्र के लिए क्या किया है, राष्ट्र के लिए क्या किया है, देश का नाम रोशन किया है, ये देश का नाम, हाँ देश का नाम, दुनिया में पहुंच गए थे, देश का नाम, हाँ देश का नाम रोशन कर दिया। सबसे ज्यादा फर्जी वाली फैक्ट्री इन्हीं पे है, 38 से ज्यादा कंपनी इन्हीं की है फर्जी। एक आपने बहुत दिन पहले एक गाना आया था, भौरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गए हिंडनबर्ग, तो मोदी जी ने जिस गुब्बारे में हवा भरी, हवा भरी, हवा भरी, हवा भरी, और जब गुब्बारा भर गया ना, हिंडनबर्ग की एक छोटी सी पिन ने उस गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी। आखिर विदेशी रिपोर्ट पर इतना विश्वास क्यों है आप? क्योंकि भैया देश के एक भी पत्रकार ऐसी रिपोर्ट निकालने की हिम्मत नहीं है, अगर आप निकालोगे ना तो रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर आप निकालोगे
छापा बैठ जाएगा। बीबीसी वालों ने क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, छापा बैठा दिया भैया। ये लोग मतलब तानाशाही करते हैं, ये लोग तानाशाही की सरकार है। मोदी जी को बरी कर दिया गया गुजरात गोधरा कांड को लेकर के तमाम चीजों को, तो बीबीसी क्या इस तरह के मुद्दे क्यों उठा रही है? नहीं, अगर उठा रही है, अगर आप निष्पक्ष हो, आपको बरी कर दिया, तो आप डरते क्यों हो? डरना नहीं चाहिए। मैं भाई ठीक हूँ, मेरे थैले में कुछ नहीं है, तो मैं डरूंगा नहीं ना। कोई भी आओ जांच करो जी, चलो। भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम। अरे मोदी जी देश में भ्रम फैला रहे हैं मोदी जी के प्रति। अगर किसी ने भ्रम 2014 में आपने देखा होगा एनडीटीवी पे छापा पड़ा था, आज वो एनडीटीवी किसके हाथ में है पत्रकार महोदय, बताइए किसके हाथ में है? निष्पक्ष पत्रकारिता करता है एनडीटीवी, अब करता है, पहले भी करता था, अभी भी करता है। एक समय पे मोदी जी क्या कहते थे, जो दूरदर्शन नहीं दिखाता है भाइयों बहनों मित्रों, वो बीबीसी पे दिखाता है। बीबीसी पे जनता को विश्वास है भाइयों बहनों मित्रों। और आज मोदी जी को क्या हो गया, मित्रों क्या हो गया, रे क्या हो गया? अब बीबीसी जांच निष्पक्ष हो रही है, जांच निष्पक्ष तो हो रही थी, मोदी जी डर गए। वो जांच अडानी पे बैठनी चाहिए, वो बीबीसी पे बैठती है। जो जांच नंगा कर देने वाले बाबा पे बैठनी चाहिए, वो जांच कांग्रेस के नेताओं पे बैठती है, कांग्रेस के कार्यालयों पे बैठती है। मतलब ये लोग भाई साहब देश को बर्बाद कर देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। कहा ये अडानी घोटाला नहीं, मोदी घोटाला। बिल्कुल मोदी घोटाला है। ऐसे मोदी घोटाला है, क्यों कह रहे हैं मोदी घोटाला? दुई गुजराती बेच रहे हैं, दुई गुजराती खरीद रहे हैं, देश की सारी संपत्ति बेच दी, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार? जो चौकीदार हमारा था वो अंबानी और अडानी का चौकीदार बन गया है। देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा। फिर मोदी जी क्या है, मतलब भाई साहब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक करता है। मोदी जी हेलमेट पहन के बॉर्डर पे खड़े हैं क्या? वन मैन आर्मी है वो। भाई मोदी जी को इस्तीफा दिलवाइए। एक अकेला सब पर भारी है। एक मोदी जी का वजन कितना है, वजन कितना है कोई पत्रकार बता दो भाई, चार पांच जने खड़े हो, वजन बताओ मोदी जी का। अरे वजन से कह लेना, पार्लियामेंट ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके इनका वजन कितना भी भारी हो जाए, 24 घंटे के लिए अनुराग के हाथ में ईडी और सीबीआई दे दो, जितने भी नेता है ना भाजपा के, अगर वही सदन में बिलबिलाने न लगे ना, नाम बदल दूंगा। पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा एक सब पर भारी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक सब पे भारी हो जाऊंगा 24 घंटे के लिए, ईडी सीबीआई से भी, जितने भी अशासन प्रशासन से 24 घंटे के लिए हाथ में दे दो, बिलबिलाने लगेंगे, बिलबिलाने, समझ रहे हो ना, बिलबिलाने लगेंगे ये लोग सिर्फ 24 घंटे के लिए। दोगे? हिम्मत है? ईडी सीबीआई भैया मुट्ठी में है तो कुछ भी कर दो। संविधान को ना मानने वाले लोग हैं ये। स्वतंत्र हैं सभी तमाम एजेंसियां, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं भैया। चंद लोगों की मुट्ठी में चंद एजेंसियां हैं, कोई निष्पक्ष नहीं। आप सबूत, सबूत दिखाए। आपको नहीं पता है सेबी अडानी के खिलाफ बैठनी चाहिए नहीं बैठनी चाहिए? अगर मैं मानता हूं कि हिंडनबर्ग ने साजिश रची है तो भैया उसको पर्दाफाश होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन सब खामोश है। फिर भ्रम फैला रहे हैं, फिर भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम है ये। अरे भ्रम आप बंद कर दीजिए, नफरत की पत्रकारिता बंद कीजिए, सच्चाई दिखाइए, अच्छाई दिखाइए, वास्तविकता दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कहा उनके, हाँ नोटिस शुक्रा दी सुप्रीम कोर्ट का, भाई साहब तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अब तो विश्वास हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पे, मुझे विश्वास है। कमेटी बनाने की बात कही है भाई साहब, बननी चाहिए, बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। अडानी के खिलाफ मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी भी एजेंसी है, जितनी भी कमेटी बननी चाहिए ना, उससे तीन गुना ज्यादा बैठा दो। अगर वो निष्पक्ष हैं तो ठीक है, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको वहीं भेज दो जहाँ पे सुधीर चौधरी को भेजा था।